कोरोना संक्रमण के बीच 1 अगस्त को होने वाले बकरी ईद के मद्देनजर नवी मुंबई महानगर पालिका ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वे महत्वपूर्ण सूचनाएं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है। जिस आदेश के तहत बकरी ईद की नमाज मस्जिद या ईदगाह या सार्वजनिक स्थलों में न अदा करते हुए घर पर ही नमाज अदा करने की सूचना महानगर पालिका द्वारा दी गई है। इतना ही नहीं, इस समय कार्यान्वित जानवरों के बाजार बंद रहेंगे। अगर किसी को कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदी करनी है तो ऑनलाइन खरीदने का निर्देश मनपा द्वारा दिया गया है। महानगर पालिका प्रशासन ने ये भी सुझाव दिया है कि नागरिक भरसक हो सके प्रतीकात्मक कुर्बानी दें। कंटेनमेंट जोन में जो आदेश जारी किए गए हैं वो आदेश जारी रहेंगे। बकरी ईद के मद्देनजर आदेशों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाएगी। बकरी ईद के लिए नागरिकों पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा न करने की सूचना भी महानगर पालिका द्वारा दी गई है। कोविड 19 का संक्रमण रोकने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस बीच अगर पर्व शुरू होने के दरमियान प्रशासन द्वारा कुछ सूचना जारी होती है तो इसका भी पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। नवी मुंबई महानगर पालिका कार्य क्षेत्र में विभिन्न विभागों में कुछ समय के लिए सामुदायिक कत्लखानों को अनुमति दी जाती थी, मगर इस साल कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए सामुदायिक कत्लखानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।